नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। देश में आज सैनिकों की वीरता का दिन है, उनके जज्बे को सलाम करने का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के वीर बहादुरों ने देश को दुश्मन मुल्क से जीत दिलाई थी, पाकिस्तान को पस्त कर करगिल पर तिरंगा फहराया था। इसलिए तो पूरा देश आज करगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है और पूरा देश उन शहीदों को सलाम कर रहा है जो देश के असली हीरो हैं। विजय के 20 साल पर एबीपी गंगा भी उन वीर जवानों को सलाम करता है, क्योंकि हमारे सैनिकों ने देश का मस्तक झुकने नहीं दिया, तिरंगा की शान पर आंच नहीं आने दी। 20 साल पहले ऐसे ही जब विश्वासघाती पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश की, तो हमारे जवानों ने करगिल में अपनी शहादत देकर भारत माँ के आंचल को महफूज रखा, हमें और आपको महफूज रखा। तो करगिल विजय के 20 साल आज पूरा देश मना रहा है, देश के वीर सपूतों को नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है उन वीर जवानों को जिन्होंने अपनी जान पर मर मिटने के बाद भारत माँ के गुरूर को जिंदा रखा। और उन्हीं में से एक आज हमारे साथ भी हैं, उनके परिवारों के साथ भी आज हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं देहरादून से शंकर थापा, जिन्होंने करगिल युद्ध में डटकर मुकाबला किया था और अपने भाई को अपनी आंखों से शहादत देते हुए देखा भी था। इनसे हम बातचीत करेंगे, सिलसिले को हम शुरू करेंगे। इससे पहले राजधानी देहरादून के एक वीर जवान की गौरव गाथा आपको बता देते हैं। 20 साल पहले करगिल युद्ध लड़ने वाले आज भी कुछ ऐसे जाबाज हमारे बीच हैं जिन्होंने जान हथेली पर रख लेकर दुश्मनों से लोहा लिया था। ऐसी ही एक कहानी है दो भाइयों की, जिन्होंने एक साथ करगिल में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन इसी लड़ाई में एक भाई जब लड़ते लड़ते दुश्मनों की गोलियों से छलनी होकर शहीद हो गया, तो दूसरे भाई की आंखों से आंसू तो बहे लेकिन हाथों से हथियार नहीं छूटे और वो आखिरी तक दुश्मनों से लड़ता चला गया। एक दोस्त के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भारतवर्ष के नागरिक हैं, वो अपने बच्चों को, भाई को, बेटों को, जो है अपनी भारत की जो धरती माता है उसकी सेवा के लिए उसमें देना चाहिए। तो हम आप की बातचीत कराएंगे और पूरी बातचीत आपको सुनवाएंगे भी, क्योंकि गर्व का ये लम्हा है। शंकर थापा हमारे साथ हैं देहरादून से, जिन्होंने करगिल युद्ध में डटकर मुकाबला किया था और अपने भाई को अपनी आंखों से अपनी जान गंवाते हुए भी देखा था। शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में, और एबीपी गंगा आपके जज्बे को सर सलाम कर रहा है, नमन कर रहा है, क्योंकि आप ही की वजह से सुरक्षित हम अपने घरों में बैठे हैं। सबसे पहले शंकर जी, जो सवाल जहन में आता है वो ये कि करगिल युद्ध के बाद हिंदुस्तान अब 20 बसंत देख चुका है, इन सब के बीच कई बार आपसे शहादत की खबरें आपके भाई की पूछी गई होंगी, आपके एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछा गया होगा, लेकिन एक बुनियादी सवाल मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि अब जब 20 साल बाद देश नमन कर रहा है वीर जवानों को, उन जवानों को जिन्होंने विजय दिलाई थी पाकिस्तान के नापाक इरादों से, कितनी जीवंत है वो लड़ाई आपके जहन में? जी, सबसे पहले मैं सबको जय हिंद बोलना चाहूँगा जी, और जी अभी 20 साल का उसमें उपलक्ष्य में आप सभी को कारगिल के विजय दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी जगह पे अगर हमारे भारतीय सैनिक या जवान अगर शहीद होता है या फिर अपने शहादत देता है, तो उसके उसमें देश के लिए जो रक्षा करते हुए अपनी जान के बलिदान देता है, तो उसमें आप सभी को गौरव होना चाहिए। और साथ ही साथ भारतीय सेना के बारे में हमारे सभी जो भी नागरिक है उनको प्रोत्साहित होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जी भारतीय भारत देश की रक्षा करने के लिए अपना अग्रसर होना चाहिए। और इस 20 साल के दौरान में जो कारगिल युद्ध हुआ उस टाइम पे बहुत तकलीफें थी, और वहाँ पे एक तो
रास्ता नहीं था और ऊपर से बर्फ और ठंडी होने के कारण से हमें जाने में कठिनाई होती थी और ऊपर से जो दुश्मनों का जो फौज थी उन्होंने हमारे पर अटैक करते रहे और उनकी बमबारी और गोलियां होती थी, जिस कारण से हम लोग दिन के समय में तो कहीं कोई भी हरकत नहीं कर सकते थे जी। लेकिन रात के समय में हम लोग अपनी बटालियन के साथ में हरकत करते हुए गए और दुश्मन का सिर नेस्ताबूत किया और साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें विजय हासिल की। बिल्कुल बिल्कुल शंकर जी, और यही वजह है कि पूरा देश आपके उस जज्बे को सलाम करता है और सलाम करता भी रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, ये लड़ाई बेहद कठिन थी। उसके बावजूद पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद किया गया, पाकिस्तान के हौसले को मिट्टी में मिला दिया गया हमारे जवानों के द्वारा। बातचीत हम करते रहेंगे। इस बीच एक और खास गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूं कहें दो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज से। करगिल में शहीद लालमणि यादव की पत्नी संतोष देवी और उनकी बेटी डॉक्टर अंजू यादव, ये हमारे साथ जुड़े हैं। इनके पति लालमणि यादव कुमाऊं रेजिमेंट में नायक पद पर तैनात थे, जिन्होंने मां भारती की खातिर करगिल युद्ध में अपनी जान को न्योछावर कर दिया था। इसके साथ ही साथ हमारे साथ आगरा से भी एक गेस्ट जुड़ गए हैं, करगिल में शहीद श्यामवीर के बेटे विजय सिंह, जिनके पिता सेना में नायक के पद पर तैनात थे और युद्ध में शहीद हो गए थे, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले प्रयागराज का रुख करूंगी, जहां से बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। संतोष जी, आपके पास मैं आऊंगी। आपने अपने पति को खोया करगिल वॉर में, और फक्र जरूर महसूस होता है हर एक शहीद के परिवार को और पूरे देश को फक्र महसूस होता है। आप जरा बताइए कि 20 साल बीत चुके हैं इस लड़ाई को, कितना जीवंत हैं अभी तक शहीद परिवार में शहीद हुए लाल और उनकी पूरी कहानी करगिल वॉर। हेलो संतोष जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ मैडम, आवाज मिल। हाँ हाँ, कारगिल शहीद को 20 साल हो गए जी, और गर्व भी है और आज हमें बहुत तकलीफ भी है कि इतनी बड़ी जिंदगी में बच्चों के साथ कैसे बिताएं और कैसे आगे बीतेगा, ये तो तकलीफ जी। हाँ मुझे आज बहुत तकलीफ है। हाँ ये तो जिंदगी भर तकलीफ रहेगा ही जी। बिल्कुल संतोष जी, इस दर्द को महसूस पूरा देश कर सकता है, क्योंकि आपने अपने पति को खोया, लेकिन भारत माँ ने भी एक ऐसे वीर सपूत को खोया है जिसने अपनी जान न्योछावर कर दी। इन आंसुओं को पूरा देश महसूस कर सकता है। अंजू, आपके पास मैं आना चाहूँगी, आपसे बातचीत करना चाहूँगी, क्योंकि आपकी माँ इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं और इमोशनल होना लाजमी भी है। आप कैसा महसूस करती हैं जब जिक्र आपके पिता का होता है, जब करगिल वॉर का होता है, और जब 20 साल बीत जाने के बाद भी आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है, उनकी वीरता की कहानी को सुना रहा है? हम बहुत ही ज़्यादा गौरव महसूस करते हैं। हर दिन ये फीलिंग तो हर दिन रहती है, और आज ये बड़ा ही गौरव का दिन है कि 20 साल हो गए हैं कारगिल विजय दिवस को। बस कष्ट ये है कि हमारे साथ हमारे फादर नहीं हैं जी। वो होते तो शायद इस डे को हम और अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल अंजू, ये कमी तो ना सिर्फ आपको बल्कि यकीन मानिए पूरे देश को महसूस होती है कि हमने अपने उन जवानों को खोया था जिन्होंने बिना किसी गुरेज के, बिना किसी डर के भारत माँ के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। लौटेंगे आपके पास, आपसे चर्चा हम लगातार करते रहेंगे, बातचीत हम लगातार करते रहेंगे। एक बार आगरा का भी रुख कर लेते हैं। विजय जी हमारे साथ हैं, जिनके पिता शहीद हुए थे करगिल वॉर में। विजय, आपसे भी मेरा यही सवाल है सबसे पहला, कि करगिल वॉर
के लिए आज पूरा देश आप देख रहे हैं नमन कर रहा है वीर जवानों को, शहीद जवानों को। सबसे पहले आपसे भी मेरा यही सवाल है, कैसा लगता है 20 साल बाद जब पीछे मुड़कर आप देखते हैं और जब बात होती है आपके पिता की वीरता की? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें इस मोमेंट पर याद किया और मैं शुक्रगुजार हूँ आप एबीपी न्यूज़ का कि आप हमें अभी भी याद करते हैं। एंड रहा आपके क्वेश्चन का आंसर कि वो 20 साल बहुत ही टफ भी थे, बहुत ही कुछ हमें फेस करना पड़ा। मुझे प्राउड फील होता है अपने पिताजी पे कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्योछावर की करी कि लाइक वो एक ऐसी चीज़ होती है कि हर एक इंसान लाइक कांपता है, अपनी जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ना इंसान के लिए, लेकिन उस यूनिफॉर्म में कुछ ऐसा है, कुछ होता है उस यूनिफॉर्म में जिसके लिए एक जवान अपनी जान की कोई कीमत नहीं रखता और देश के लिए अपनी जान दे देता है। बहुत ही प्राउड फील है इस मोमेंट पे मैं बैठा हूँ और बहुत प्राउड फील होता है इस चीज़ पर। बिल्कुल, पूरे देश को प्राउड फील होता है विजय, और आप यकीन मानिए ना सिर्फ एबीपी गंगा बल्कि पूरा देश याद करता है अपने उन जवानों को जिन्होंने, जैसा आपने कहा, बिना किसी डर के अपनी जान को गवा दिया था। शंकर जी इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं, ये गवाह हैं उस लड़ाई के, जो हमें बताएंगे कि उस लड़ाई में कितनी कठिनाइयाँ सामने आई थी। शंकर जी, कैसा था वो लम्हा, हालांकि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, जब आप लड़ाई कर रहे थे और आपकी आंखों के सामने आपके भाई शहीद हो गए और उसके बावजूद आप आंखों में आंसू लिए लड़ाई करते रहे और जवानों के दांत खट्टे करते रहे? जी, अभी हम जो यहाँ पे शांति माहौल में बैठे हैं और उस लड़ाई के समय का बहुत फर्क है। जो उस समय का हम अभी वैसे तो बयान नहीं कर सकते जी कि क्या हालत है, लेकिन जो है थोड़ा बहुत ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पे जो है हमें हर चीज़ की मुश्किलात आती थी। एक तो सबसे पहले हमें जो रहने का, खाने का, ये सारे प्रॉब्लम आते थे वहाँ पे जी। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा दिल में हौसला कम नहीं हुआ भारत माता के प्रति। हम मेरे जो छोटे भाई ने अपनी आहुति दी या शहीद हुए, बलिदान दिया, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं भी अगर उनकी जगह होता तो मैं भी करना चाहता हूँ। बिल्कुल शंकर जी, और यही वो जज्बा है जो भारतीय सेना को सबसे ऊंचा रखता है और पूरे हिंदुस्तान के दिल में भारतीय सेना बसती है। संतोष जी, जब एक जवान शहीद होता है तो पूरा देश उसे बेटे के तौर पर कबूल करता है, पूरा देश उसके दुख में, उसकी शहादत में शामिल होता है, लेकिन ऐसे में सवाल आपसे ये है कि कितना मुश्किल होता है शहीद की यादों के सहारे अपना पूरा जीवन बिताना? संतोष जी, पूरा देश या नेता मंत्री सब क्षण मात्र के लिए होते हैं और बाकी तो जिंदगी अकेले कटती है। वो टाइम बहुत कठिन होता है जब छोटे छोटे बच्चों के साथ जिंदगी काटना होता है जी। तो अब क्या बताऊं, आप तो खुद ही समझदार हैं। और बिल्कुल संतोष जी, समझा भी जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है जो इस वक्त आप महसूस कर रही हैं। अंजू, आपसे सवाल मेरा ये है कि आप बहुत छोटी रही होंगी जब करगिल वॉर हुआ था और आपको खबर मिली होगी अपने पिता के बारे में, तब से लेकर अब तक क्या बदलाव आपको लगते हैं और क्या आपको लगता है कि आपके पिता ने जो शहादत दी थी वो वाकई में काम आ गई, देश के, पाकिस्तान सुधर गया, उसकी नापाक हरकतें सुधर गई? हाँ, मैं बहुत छोटी थी तब,
बदलाव तो देखा जाए बहुत ज़्यादा नहीं आया है, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी वैसे ही है। उस वक्त कारगिल पे विजय पाई थी हमने, और अभी भी आर्मी तो उसी कोशिश में है, लेकिन पाकिस्तान वो अपनी हरकतों से बाज ना आया है और उम्मीद नहीं है कि आएगा भी। ऐसे में अंजू, जो अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से राष्ट्रवाद को लेकर, लगातार ये मोदी सरकार आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान के खिलाफ जो कड़ा रुख अख्तियार किया है सरकार ने, उससे कितना संतुष्ट आप नज़र आती हैं? नहीं, ये तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं मोदी सरकार। इन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया वो भी अप्रिशिएट करने जैसा है, काफ़ी अच्छा किया उन्होंने। आगे भी वो जो भी सोच रहे हैं जी और कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट हैं। चलिए, आगे भी यही मैसेज है कि अगर कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हमारे देश का हर एक बेटा अपनी जान न्यौछावर कर देगा, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं देगा। विजय जी, हम लगातार उस गौरवपूर्ण लम्हे के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो पूरा देश महसूस भी करता है, पूरा देश जानता भी है कि अपनों को खोना कितना मुश्किल होता है, लेकिन साथ ही साथ फख्र होता है, गौरव महसूस होता है। आपसे कहानी एक बार जानना चाहेंगे, जब आपको खबर मिली अपने पिता की शहादत की, उस वक्त कैसा था, उसके बाद पूरी ज़िंदगी कैसी थी और अभी आप कैसा महसूस करते हैं? एक्चुअली उस टाइम पे मैं सिर्फ 4 साल का था। मुझे ऐसा कुछ यादें भी हैं नहीं हैं, बस थोड़ी बहुत धुंधली यादें हैं कि मेरे पिताजी की डेड बॉडी आई थी और बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बिकॉज जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ मेरे पिताजी पहले शहीद थे, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पर। उसके बाद हम लोगों की एक लाइफ पूरा फेस चेंज हो गया। लाइक आप बोल सकते हो कि हमारा बचपन बचपन नहीं था, बचपन हमारे लिए पिताजी के साथ ही ख़त्म हो गया था। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल था उस टाइम पे, बहुत कुछ फेस करना था हम लोगों को। हम लोग, मेरे घर से मेरा जो आर्मी स्कूल होता है वो 7 किलोमीटर होता था और हम लोग पैदल जाते थे और पैदल ही आते थे। स्टार्टिंग वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बट अभी एक फेज है, आता है सभी की लाइफ में, सभी स्ट्रगल करते हैं, सभी की लाइफ में एक टाइम पीरियड आता है, उसके बाद कंडीशन थोड़ी बहुत सुधरने लगती हैं। तो अभी आप बोल सकते हैं कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद, मेरी माताजी का आशीर्वाद। मैं अपनी माँ के लिए प्राउड फील करता हूँ कि एक अनपढ़ औरत ने उस टाइम से हम लोगों को इस टाइम पर लेकर आई, बिकॉज अगर वो नहीं होती तो कुछ नहीं होता हमारे पास ना, क्योंकि कोई सपोर्टिव नहीं होता ऐसे टाइम पर, सिर्फ लोगों को पैसा दिखता है। उस टाइम पर जो भी कुछ गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प करी थी, मैं तो शुक्र गुजार हूँ अक्षय कुमार जी का, मोदी जी का, जो एक अभी अपना एप्लीकेशन उन्होंने बनाया है फौजियों के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, बिकॉज उस टाइम पर हम लोगों ने वो चीज़ फेस करी थी। मैं चाहता हूँ, मैं थैंकफुल हूँ उन दोनों का और उस पूरे यूनिट का जिन्होंने भी एप्लीकेशन बनाया है जिससे लोगों की हेल्प होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो। और अभी हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा है, चलता रहेगा, लाइफ है, स्ट्रगल होता रहता है, बट एक जो ब्लैंक रहता है वो ना तो पैसा फिल कर सकता है और ना ही कोई भी चीज़ उस ब्लैंक को फिल नहीं कर पाती है, बट वो ब्लैंक हमेशा रह जाता है। वो इमोशनली होती हैं, यादें ही होती हैं, फीलिंग्स ही होती हैं जिनके सहारे हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिता लेते हैं। बिल्कुल, वो यादें ही होती हैं और ये बिल्कुल सही बात है कि उस खालीपन को कोई नहीं भर सकता है, ना किसी की सांत्वना, ना किसी का भरोसा, वो खालीपन कोई नहीं भर सकता। शंकर जी, जैसा आपसे लगातार हम करगिल युद्ध के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं और आप बता भी रहे हैं, करगिल युद्ध बहुत ज़्यादा कठिन इसलिए था क्योंकि ऊंची चढ़ाई थी और ऊंचाई पर पाकिस्तान के वो सैनिक थे जो लगातार हमारी तरफ गोलियां और बारूद बरसा रहे थे, और मुश्किल भारतीय सेना को ये थी कि ऊपर भी चढ़ाई करनी है, साथ ही साथ उनकी गोलियों का भी जवाब देना है, ठंड का भी सामना करना है, तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
आप जरा बताइए उस वक्त का वो लम्हा जब आप ऊपर चढ़ाई करते होंगे और पाकिस्तान की तरफ से गोलियां बरसाई जाती होंगी, क्या ऐसी चीज थी जो आपको मजबूती देती थी और एक बार फिर से चढ़ने के लिए आप तैयार हो जाया करते थे, एक बार फिर से भारतीय सेना की बहादुरी का परिचय दिया करते थे? जी, सबसे पहले तो हमें जो मौसम का साथ भी था और साथ ही साथ में जो चढ़ाई की कठिनाई थी, लेकिन हमारे जो खून में रग रग में एक हमारा मोटो है जिसे नाम है जय माँ काली आयो गोरखाली। जब हम ये नारा लगाते हैं तो हमारे दिल में रग रग में तो देश के प्रति ऑटोमेटिक अपने अग्रसर होने का अपने उसमें हौसला बढ़ता है और हम इसी के साथ दुश्मनों से मुकाबला करते हैं और हर लड़ाई में हमारी विजय हासिल होती है। यानी भारत माँ का सिर ना झुकने देने का जज्बा हर एक भारतीय का वो हौसला है जो दुश्मनों के नापाक इरादों को धूल में मिटा देता है। संतोष जी, आपसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और आप शायद बात करने की कंडीशन में भी नहीं हैं, बार बार आंखों से आंसू बहते हैं और ये बताते हैं कि कितना याद आपको आते होंगे। लेकिन संतोष जी, युद्ध से पहले की अगर बात करें, जब घर आया करते थे आपके पति, जब युद्ध छिड़ा करता था तो किस तरीके की बातें हुआ करती थी, क्या वो सेना के बारे में आपको बताते थे, क्या मुश्किलें क्या अच्छाइयाँ वो आपको बताया करते थे? वो बताते थे मैडम कि लड़ाई के समय अगर कोई घटना हो जाती है तो उस समय घबराने की कोई बात नहीं रहती। हाँ, अगर कोई ख़त्म हो जाते हैं तो उनकी बॉडी घर तक पहुंचाई जाती है। तो मैं उनसे कहती थी ये सब आप क्या बताते हैं, कहें नहीं, तो कह नहीं बताया जाता है। तो हम उनको कहती थी मही ये सब बात बताइए हमको। संतोष जी, कोई एक ऐसी बात जो आपको आज तक याद हो, लालमणि यादव जी की जो उन्होंने आपसे कही हो, या फिर करगिल वॉर पर जब वो गए हों उससे ठीक पहले आपकी लास्ट मुलाकात उनसे कैसी थी, क्या बातचीत हुई थी, या कोई फ़ोन कॉल इस युद्ध के दौरान, इस युद्ध से पहले आपके पास उनका आया हो? नहीं मैडम, उस समय तो कोई फ़ोन उनकी व्यवस्था थी नहीं गांव में। वो 17 जून को गए थे लास्ट में जी, एक साल बाद वो चंडीगढ़ में आए थे तो वहाँ से चिट्ठी लिखे थे कि युद्ध शुरू है और मैं चंडीगढ़ में आया हूँ, फिर वापस जा रहा हूँ। वही चिट्ठी से हमारी उनकी बात होती थी या जो भी जवाब सवाल जी। तो एक साल वो आए नहीं, जून को एक साल हो गया था, फिर सितंबर में उनकी घटना हो गई, फिर घर तो आए लेकिन उस साल में नहीं आए जो कि मेरी बात सुने और अपना भी सुनाए। बिल्कुल, इंतजार पूरे देश को भी रहता है और परिवारों को भी रहता है कि उनका बेटा, उनके घर का सदस्य अगर गया है बाहर युद्ध पर तो वो घर वापस लौट कर आए, और जब शहीद होकर वापस लौट कर आता है तो गर्व ज़रूर होता है लेकिन आंसू नहीं रुकते, जैसे आपके भी नहीं रुक रहे हैं। अंजू, जैसा हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि आप बहुत छोटी रही होंगी, उस वक्त के लम्हे शायद आपको याद नहीं रहे होंगे, लेकिन जब से युद्ध हुआ और अब तक का जो समय है, इस बीच आपने अपने पिता की बहादुरी के किस्से बहुत सुने होंगे, उनकी कहानियाँ सुनी होंगी। जिस चिट्ठी का जिक्र कर रही हैं आपकी माता जी, उस चिट्ठी के बारे में आपने भी सुना होगा, आसपास के लोगों से आपने सुना होगा, वो आप शेयर करना चाहेंगी? क्या आपने अपने पिता की विशेषताएं सुनी हैं,
उनके बारे में क्या क्या आपने सुना है? जी, हमने उनके बारे में सुना, इन द सेंस अपनी फैमिली के लोगों से सुना है, जो भी उन्हें जानते थे उनके जाने के बाद, उनके रहने पे वो सिर्फ उनकी प्रशंसा करते थे जी। और उनके जाने के बाद तो हमने अपनी मदर का स्ट्रगल देखा है, अच्छी बात है, हमें सपोर्ट काफ़ी मिला है सरकार से, लेकिन फिर भी काफ़ी स्ट्रगल के बाद आज हम इतने बड़े हैं, जो कि मेरी मदर ने किया है। यही वजह है कि आज वो कुछ बोल नहीं पाती हैं, उनके सामने वो 20 साल पहले का जो भी था दृश्य अभी भी सामने आ जाता है, उस चीज़ को याद करते ही। बिल्कुल आता होगा, क्योंकि कहा जाता है कि सरहद पर अगर कोई जवान लड़ाई लड़ता है तो पीछे से परिवार का सपोर्ट होता है, परिवार की एक अलग जंग होती है जो घर में लड़ी जाती है, ये बिल्कुल कहा जाता है। जो जिस वक्त कारगिल वॉर हुआ था, कितने बरस की आप थी, आपकी उम्र क्या थी, कुछ धुंधली यादें अगर आप शेयर करें। जी, मैं 7-8 ईयर्स की थी, इतनी जानकारी नहीं थी हर चीज़ की, बस ये तो मदर ही बताती हैं कि हाँ वो 1 ईयर पहले, इतना पता है 1 ईयर पहले गए थे, और 1 ईयर से तो हम लोग मिले भी नहीं थे उनसे, 1 साल से। बिल्कुल छोटी उम्र थी, और फिर हमें बिल्कुल उस वक्त का स्ट्रगल शब्दों में इसे बयां नहीं किया जा सकता है, और आंसू परिवार के थमते नहीं हैं, ये भी महसूस हम करते हैं और देख भी रहे हैं इन तस्वीरों को। विजय जी, जैसा आपने पहले ही कहा था कि आप बहुत छोटे थे और आपकी यादें बेहद धुंधली हैं, लेकिन जब जब आपके पिता का जिक्र आपके घर में होता है, आसपास होता है, तो क्या वो एक बात जो सबके जहन में ज़िंदा रहती है उनके शख्सियत के बारे में, उनके बारे में? देखिए, पहली बात तो कि एक्चुअली सही बोलूँ तो मुझे पिताजी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस दो चीज़ें याद हैं कि जब भी वो कश्मीर की पोस्टिंग पर थे, वो हमारे लिए सेब लाया करते थे और अखरोट लाया करते थे, बस ये दो चीज़ें मुझे पिताजी की याद हैं, और ऐसा मुझे पिताजी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, बिकॉज 4 साल का बच्चे को कुछ याद नहीं रहता है। बिल्कुल याद नहीं रहता है विजय, लेकिन जब आपने सुना होगा, आपके घर वालों ने आपको बताया होगा, पड़ोसी बात करते होंगे, पड़ोसी क्या, पूरा देश आपके पिता के बारे में बात करता है, तो क्या बातें होती हैं, कैसे आप उन्हें सुनते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको भी प्रभावित करती हैं? हाँ, एक्चुअली मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे ना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था उन्होंने, बिकॉज हम लाइक जो मेरी फैमिली थी, जो पिताजी की फैमिली थी, बहुत ज़्यादा पुअर थी, बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो आगरा से मेरा गांव अप्रॉक्स ऐसा कोई 20-25 किलोमीटर होता है, तो सुबह वो कॉलेज के लिए आया करते थे, और कॉलेज के बाद वो एक डेयरी हुआ करती थी, डेयरी पे काम किया करते थे, क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी हुआ करती थी उस टाइम पर पिताजी के लिए, तो अपना इकोनॉमिक बैलेंस ठीक ठाक रखने के लिए, अपना कॉलेज करने के लिए वो पार्ट टाइम किया करते रहते थे वो, तो एक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते, तो जब भी मैं पिताजी के बारे में सुनता हूँ, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था उनके लिए चीज़ें ना, लाइक एक बारी का किस्सा जो मुझे याद आता है कि उनके फ्रेंड को कुछ रुपए चाहिए थे, तो पिताजी के पास कुछ भी नहीं था, तो उनको घड़ी का शौक होता था, तो घड़ी थी पिताजी के पास, उन्होंने अपनी वो घड़ी दे दी थी कि ये घड़ी ले जा भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है इस घड़ी के अलावा, इस घड़ी को बेच दे और जो भी तेरी मदद हो सकती है वो कर लेना। तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर, बहुत ज़्यादा स्वीट नेचर था पिताजी का, और यही बातें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं कि दोस्त अपना जो भी हमारे सगे हैं उनके साथ हमेशा अच्छे रहो, हार्ड वर्क करते रहो, बिकॉज ज़िंदगी में हार्ड वर्क के अलावा मुझे नहीं लगता कुछ भी है, जो भी हम कर सकते हैं वो हार्ड वर्क के साथ ही कर सकते हैं।
बिल्कुल, ये वो बातें हैं जो हमेशा जिंदा रह जाती हैं। शंकर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि युद्ध से पहले की जो आपकी ज़िंदगी थी, करगिल से पहले की, जब आप दोनों भाई की पोस्टिंग हुई सेना में, उस वक्त का लम्हा कैसा था? जब करगिल वॉर पर आप जा रहे थे तो आपने घर वालों को कैसे बताया था? क्या वो ज़रिया था जिसके ज़रिए आप अपने घर वालों से कनेक्ट हुए थे? ये तमाम बातें आज आप बताइए। अभी युद्ध से पहले जो था हमारा जो दिनचर्या थी, सब बहुत अच्छा, खुशी का माहौल था। लेकिन जब हमें पता चला कि कारगिल युद्ध शुरू हो चुका है और हमारी सबकी बटालियन को वहाँ पे जाना है, तो एक ये खुशी और जोश था कि चलो हम भी इस अपने देश और देशवासियों के लिए कुछ अपना योगदान करेंगे बोल के, इसी हौसले के साथ हम दुश्मनों के ऊपर हमने चढ़ाई की और अटैक करके हमने उनके ऊपर विजय हासिल की। शंकर जी, कितना मुश्किल था आपके लिए, चूंकि आपके भाई की शहादत हुई और आपकी आंखों के सामने हुई, कितना मुश्किल था आपके लिए घर वालों के साथ ये बात करना, घर वालों को ये बताना कि दोनों भाई गए तो थे साथ में लेकिन लौट कर मैं आ रहा हूँ, दूसरा भाई देश के लिए शहीद हो चुका है? कितना मुश्किल था वो लम्हा जब आप अपने शहीद भाई के साथ, उनके पार्थिव शरीर के साथ आप घर वापस लौट कर आए होंगे? वो लम्हा तो बहुत ही मुश्किल भरा था और साथ में कुछ आगे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें कैसे करें, और इधर देश की रक्षा भी करनी है और दूसरी तरफ अपने छोटे भाई की शहादत को भी, पार्थिव शरीर को भी लेके जाना है। लेकिन कुछ ऐसा समय भी होता है जिसमें हमें एक चुनाव करना पड़ता है जी, और मेरे को इसी चुनाव के तहत फिर अपने जो छोटे भाई की पार्थिव शरीर है उसको लेके आना पड़ा। और यहाँ पे घर में बताने के लिए कोई साधन तो था नहीं जी, लेकिन फिर भी जो टेलीफोन के जरिए फिर बताया कि जो अपने मेरा छोटा भाई है जो देश के लिए शहीद हो गया है और इस समय हम आ रहे हैं, और यहाँ पे आने के बाद में जब अपने गांव वालों को पता चला तो उन्होंने बहुत ही गर्व के साथ में श्रद्धांजलि दी और इससे उसे मैं बहुत खुश हुआ और जल्द से जल्द फिर अपनी यूनिट जाके ज्वाइन किया और फिर देश की रक्षा करने के लिए मैं निकल पड़ा। बिल्कुल, वो लम्हा बेहद मुश्किल है और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं और आपकी बातों से महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन उस लम्हे के साथ साथ गर्व भी महसूस कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि चुनाव करना होता है और वही चुनाव शायद भारतीय सैनिकों को सबसे अलग भी बनाता है। संतोष जी, आप देख रही हैं 20 साल के बाद जो हालात बदले हैं, कारगिल वॉर के बाद जो जो हुआ है आप देख रही हैं, अभी भी पाकिस्तान के साथ जो संबंध है हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, अघोषित युद्ध की स्थिति पर हम आ ही गए हैं, हर दिन पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है, हमारे देश के वीर जवान शहीद होते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगी? क्या आपको लगता है कि युद्ध क्या किसी भी स्थिति का सोल्यूशन है, हल है? इसके बाद कितना सफ़र करना पड़ता है सभी को? मैडम, युद्ध तो चलती रहेगी क्योंकि इसका कोई सलूशन नहीं निकल रहा है। और इसमें किया क्या जा सकता है? अगर एक छोटा सा देश अपने देश को बर्बाद कर रहा है जी, तो उसमें तो जो करेंगे वो अपने देश का प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, बाकी तो कोई उसमें करेगा नहीं जी। बिल्कुल,
संतोष जी, देश साथ होने का हमेशा वादा करता है और साथ भी रहता है हमेशा उन परिवारों के जिन्होंने अपनों को खोया है। जो वादे किए जाते हैं आपसे, सरकारों ने जो उस वक्त वादे किए होंगे आपका साथ देने की, आपके साथ हर कदम पर रहने की, क्या वो वादे पूरे हो पाते हैं? क्या वाकई में शहीद के परिवारों को वो सुविधाएं मिल पाती हैं जो वो डिज़र्व करते हैं? वो जिंदगी भर का तो ठीका लेंगे नहीं मैडम जी, हमारे बाकी जो था वो सब कुछ मिल गया। कहने के लिए तो बहुत सब कुछ कहते हैं लेकिन करते तो सेना के जवान ही अपनी बात को रखते हैं। शपथ तो उन्हीं की सही होती है, बाकी तो आंसुओं का सिलसिला नहीं थमता जब अपनों की याद आती है और वो अपने जो देश के लिए नौछावर हो गए। हालांकि हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है, हर किसी के दिल में वो जिंदा हैं। अंजू, लगातार आपकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो बहते भी रहेंगे शायद ताउम्र, चूँकि उस खाली जगह को शायद कोई नहीं भर सकता। लेकिन आपसे भी मेरा यही सवाल है कि अभी फ़िलहाल जो स्थिति है देश में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसे आप किस तरीके से देखती हैं? आप देखती हैं कि सीज़ फायर किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, उल्लंघन किया जाता है, फायरिंग की जाती है, हर दिन देश का कोई जवान शहीद होता है, इन सब चीज़ों के बारे में क्या राय आप रखती हैं? ये सारी चीज़ें देख के कष्ट काफ़ी होता है। सरकार, मोदी सरकार जब से आई है काफ़ी डेवलपमेंट किया है इस बारे में, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जो पुलवामा अटैक हुआ था वो भी काफ़ी बुरा हुआ, होना नहीं चाहिए था ऐसा। लेकिन इसके लिए कुछ अच्छे से विचार करके सोचना होगा, करना होगा, नहीं तो ऐसे कितने दिन तक चलता रहेगा। बिल्कुल, विचार करते रहना पड़ेगा ऐसी स्थिति। विजय जी, आपसे सवाल ये है कि आपने देखा सरकार ने बहुत कड़े कदम, बहुत बड़े कदम उठाए, जैसा जिक्र आप सभी भी बार बार कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक तक पाकिस्तान पर भारत ने की, उनसे आप उन कदमों को आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ा ये भारत का कदम है और इससे कितना हौसला उन परिवारों को भी मिलता है जिन्होंने एक युद्ध में अपनों को खो दिया, ऐसे युद्ध में जिसमें भारत की विजय हुई और पाकिस्तान को अपना सिर झुकाना पड़ा था? देखिए, पाकिस्तान ना एक शैतान पड़ोसी की तरह है, वो जो कि सुधरना नहीं चाहता है, उसे कितना भी हम रियलाइज़ कराते रहें उसे रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है। और मोदी जी ने यही किया, जब ये पुलवामा अटैक हुआ था तो हम बिलीव करिएगा कि 24/7 न्यूज़ चल रहा होता था, हम लोग इंतज़ार कर रहे होते थे कि अभी मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी क्या करेंगे, और उन्होंने किया। और ये बहुत ही कड़ा कदम है, ऐसे कदम हमें उठाने चाहिए और उठाते रहना भी चाहिए, बिकॉज अगर हम सहते रहेंगे तो उन लोगों की हिम्मत इंक्रीज ही होती है, तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। कब तक आप सहोगे? तो ऑब्वियसली हमें अटैक करना होगा, उसका जवाब देना होगा उसी भाषा में, और उससे एक कदम ज़्यादा जवाब देना होगा, तभी वो रियलाइज़ कर पाएगा। और जब उसे रियलाइज़ होगा तो शायद कहीं ना कहीं उसे फील हो कि चलो यार, हमारे साथ भी अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी है तो अभी कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज बिना रियलाइजेशन के कुछ होने वाला नहीं है। और रही बात मोदी जी के कदम की, तो ऑब्वियसली प्राउड फील होता है कि चलो अभी फ़िलहाल कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो थोड़े से ऐसे हार्ड डिसीजन ले सकती है, और अभी बहुत सारे वो डिसीजन ले भी रहे हैं, एक कोई वॉल वगैरह अपना LOC पे वो बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है, ऐसे डिसीजन करने भी चाहिए, लेने भी चाहिए, बिकॉज एक जवान कब तक अपनी जान देता रहेगा? बिकॉज वो तो शैतान है, उसे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, उसे तो अपने लोगों से फ़र्क पड़ता नहीं है, वहाँ के लोगों को पता नहीं समझ आता है या नहीं आता है, या अपनी आँखों पर पट्टी बांधी हुई है, पता नहीं क्या है पाकिस्तान के लोगों को समझ नहीं आता। बट हम अपनी जान कब तक देंगे? लाइक
ऑब्वियसली एक जवान शहीद होता है, पूरी एक फैमिली भी शहीद होती है कहीं ना कहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शहीद हो जाती हैं उनके साथ साथ जी। तो सिर्फ एक बंदा नहीं, पूरी फैमिली शहीद हो रही है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इस चीज़ पर करते रहना चाहिए। और मैं तो बस एक ही चीज़ बोलूँगा मोदी जी से कि आगे अगर कुछ होता भी है, इन केस अगर कुछ होता है, तो अंडरडॉग की तरह उसे हमेशा रखना पड़ेगा, हमेशा उसे आगे दिखा के रखना पड़ेगा। और जिस हिसाब से वो एक माहौल बना रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में, अभी हम देखते हैं इमरान जी इधर उधर घूम रहे हैं फंडिंग इकट्ठा करने के लिए, तो जो हालत अभी मोदी जी ने बनाई है उससे देखते अच्छा लगता है। चलिए, देश के वो परिवार अगर खुश हों तो पूरा देश भी खुश होता है। शंकर जी, अब करगिल युद्ध के बारे में जब हम बात करते हैं तो उन कठिनाइयों की का जिक्र हमने कर लिया, जैसा आपने भी बताया कि बेहद कठिनाइयां थीं, मौसम था सर्दी का, ऊंची चढ़ाई थी, ऊंची चोटी पर पाकिस्तानी सैनिक जो थे वो छुपकर बैठे थे, जो लगातार बमबारी कर रहे थे, गोली बरसा रहे थे। इस बीच आपने अपने भाई को खोया। कौन सी आखिरी बात आपको याद है अपने भाई की युद्ध के दौरान, जब आप दोनों भाइयों की आपस में बातचीत हुई हो, वो आखिरी बात जो आपको याद हो उनके बारे में? जी, मेरे भाई के साथ में 3 दिन पहले बातचीत हुई थी और उन्होंने छुट्टी जाना आना था, और उसके बाद में हमारी कोई सामान अगर बेचना हो तो घर बेच सकता है, मैं जाने वाला हूँ बोला। और हमारी इसी बातचीत के बाद में फिर दोबारा से उनके साथ मुलाकात नहीं हो पाई, और उनके साथ सीधा मुलाकात हुई तो वो देश के लिए कुर्बान हो चुके थे, शहीद हो चुके थे। अच्छा शंकर जी, आपको कब पता चला, आप युद्ध लड़ रहे थे, आप पूरे जज्बे के साथ पाकिस्तान की सेना का सामना कर रहे थे, आपको कब पता चला कि इस लड़ाई के दौरान आपका अपना भाई अलविदा कह चुका है पूरे देश को? वो जो लम्हा था, आप क्या थोड़ी बहुत देर के लिए रुके थे, या फिर लगातार अपने आंसुओं के साथ आप फायरिंग कर रहे थे, आप लगातार लड़ रहे थे पाकिस्तानी सेना के साथ, वो आप ज़रा बताएं दर्शकों को भी कि क्या हुआ था एग्जैक्टली उस वक्त? जी, वहाँ से हमारे जो है अलग अलग पोस्ट पे थे, अलग अपनी टुकड़ी के साथ में थे, तो वहाँ से हमारे तकरीबन 1:30-2 बजे जो फायरिंग हुई, और उसमें गोलीबारी होने के बाद में जो भाई की टुकड़ी थी उनके ऊपर जो गोलीबारी हुई, तो उसमें भाई को यह बताया गया था कि थोड़ी इंजरी हुई है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है बोल के हमारे को उसमें रिपोर्ट आई थी। और मैं अपनी टुकड़ी के साथ में था तो वहाँ पे ये बताया गया कि आप अभी विराम कीजिए और आप अपने भाई की सहायता के लिए आप अपने हॉस्पिटल जाइए और वहाँ पे अपनी देख रेख करिए बोल के मेरे को ये बताया गया था जी। और उस रात को फिर मैं वहाँ से अपने बटालियन में आया, बटालियन से फिर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में जब जाने के बाद मेरे को पता चला कि जो मेरे छोटे भाई हैं वो देश के लिए शहीद हो चुके थे जी। फिर क्या उसके बाद आप तुरंत अपनी बटालियन में लौट आए थे, फिर से आप जहां युद्ध हो रहा था वहां आप लौट आए थे? जी, वहां से फिर मेरे जो छोटे भाई का पार्थिव शरीर था वो लेके मेरे को खुद आना पड़ा। ये एक प्रकार से तो बहुत दुख की बात है कि अपने से छोटे भाई जो एक दोस्त की तरह भी थे, तो उसके पार्थिव शरीर लेके साथ में आ रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा गर्व यह है कि जो देश के लिए शहीद हुए हैं तो उसके सम्मान के साथ में अपने साथ लेके आना, ये मैं सोचता हूँ दुनिया का सबसे बड़े गर्व की बात है। और मेरे को भारतीय और भारतीय सैनिक होने पर बहुत गर्व है,
और साथ ही देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि वो भी अपना सपोर्ट देश और भारतीय सेना के दें। बिल्कुल, पूरा सपोर्ट है भी पूरे देश का अपने भारतीय सेना को। भारतीय सेना के हर एक जवान के साथ पूरा देश खड़ा रहता है, क्योंकि वही हैं जिनकी बदौलत हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। संतोष जी, आपसे और आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं आपकी यादों में। हालांकि बेहद मुश्किल है आपके लिए लम्हे हमारे साथ शेयर करना या किसी के साथ भी शेयर करना, लेकिन जब छुट्टी आया करते थे आपके पति, तब क्या बातें हुआ करती थी? और जब उनको वापस जाना हुआ करता था छुट्टी से, तब क्या बातें हुआ करती थी? कोई ऐसी एक ऐसी मोटिवेशनल चीज़ जो हमेशा शहीद लालमणि यादव जी बोलते रहते थे आपसे, जिसने आपको भी आगे बढ़ने का जज्बा दिया आपके मुश्किल वक्त में? हाँ मैडम, आते थे तो बहुत खुशी का माहौल रहता था घर में, बच्चों के साथ खेलना बैठना बात करना। जितने दिन रहते थे बहुत हम लोग खुश रहते थे। मेरे चार बच्चे थे, सब दो साल का। जब उनका जाने का टाइम आता था तो मैं बहुत दुखी रहती थी और बड़ा रोना गाना सब। अब जो टाइम उनके साथ भी थी वो तो आएगी नहीं जी। वो तो बहुत अच्छा टाइम था, पैसा नहीं था, फिर भी परिवार बहुत खुश रहता था। बिल्कुल, उस खाली स्पेस को संतोषी भरा नहीं जा सकता है। और आपके आंसू ज़रूर बता रहे हैं कि कितनी मुश्किलें होती हैं और कितना दर्द होता है। अंजू, आपने वो मुश्किल वक्त भी देखा है जब आपके पिता शहीद हो गए और उनकी गौरव गाथा हालांकि पूरे देश में गाई जाती है, उनका नाम फख्र से लिया जाता है, हर एक हिंदुस्तानी उनका नाम गर्व से लेता है, लेकिन ज़रा आप उस मुश्किल वक्त के बारे में कुछ बातें बताएं जो आपने देखा होगा जब आपकी माँ ने स्ट्रगल किया था, आप लोगों को पढ़ाना था, आप लोगों को अच्छा बनाना था, आपकी पूरी परवरिश थी, तब कितनी मुश्किलें आप लोगों के सामने आई और कितना मिस किया आपने अपने फादर को? जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो उन्हें जो फादर की होती हैं जिम्मेदारियाँ, मदर और फादर की दोनों जिम्मेदारियां मेरी मदर ने निभाया है और वो काफ़ी मुश्किल होता है करना जी। वो स्ट्रगल हमने देखा है शुरू से, अभी भी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो तो है ही, पूरी लाइफ में इंसान का स्ट्रगल रहता ही है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा था क्योंकि वो अकेली थी शुरू से, बच्चे छोटे थे, हम लोग काफ़ी छोटे थे जी। बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है वो वक्त। और आप सभी की ज़बानी हमने समझा कि गर्व तो है, लेकिन गर्व के साथ साथ एक खालीपन भी है जो अपनों के जाने के बाद हमारी ज़िंदगी से जुड़ जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और कारगिल वॉर की वो यादें हमारे जहन में ताज़ा करने के लिए। चूँकि हम और आप तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, सिर्फ महसूस ही हम कर सकते हैं, लेकिन वो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया कारगिल वॉर में, उनका दर्द कैसा है, उन्हें कैसा महसूस होता है, ये एबीपी गंगा के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की। इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि एबीपी गंगा के अपने पसंदीदा वीडियोस और खबरों से हर पल जुड़े रहने के लिए अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एबीपी लाइव ऐप और सेलेक्ट कीजिए एबीपी गंगा। और आगे देखिए हमारी खास पेशकश, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।